अब हुजूर को जो अल्लाह से मिला है वो दो चीजें मिली हैं, अलहुदा हिदायत और दीनुल हक, और ये दोनों चीजें कामिल हुई हैं हुजूर पर। देखिए, जब से हजरत आदम को दुनिया का जो चार्ज दिया गया, नबूवत चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, हर नबी हिदायत का पैगाम लेकर आया ना, हर नबी हिदायत लेकर आया। मूसा को तौरात मिली, फीहा हुदन व नूर, उसमें हिदायत भी थी नूर भी था। ईसा को इंजील मिली, अला नबी ना अलैहिस्सलाम, उसके अंदर फीहे हुदन व नूर, उसमें हिदायत भी थी नूर भी था। लेकिन अभी ये हिदायत तदरीजन तरक्की कर रही थी, क्यों कि इंसानी जहन अभी तरक्की कर रहा था। एक दौर था जबकि इंसानी जहन अभी अहद तफूलियत में है। आपका बच्चा है प्राइमरी का तालिब इल्म है, आप उसके लिए ट्यूटर जो है पीएचडी रख दीजिए, लेकिन वो क्या पढ़ाएगा उसको? फलसफा पढ़ाएगा? मंतिक पढ़ाएगा? नहीं, वो बच्चा जिस जहन की जहनी सतह पर है उसी के मुताबिक उसको तालीम दी जाए, उससे आगे की तालीम दी जाएगी, उसके सर पर से उतर गुजर जाएगी, उसको वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, इसलिए कि अभी उसकी जहनी सतह वो नहीं है। जैसे जैसे इंसान की जहनी सतह बुलंद होती गई, हिदायत भी इर्तिका पजीर रही, हिदायत के मदारिज बढ़ते चले गए, ता आके कुरान में हिदायत कामिल हो गई। इंसान का शऊर पुख्तगी को पहुंच गया आज से 1400 बरस कबल, और अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम नाजिल कर दिया।